बच्ची ज्यादा नहीं जाती आप लोगों के साथ, उनको एक एक बारी बारी बात करें ना, आप लोगों के साथ उनको एक एक बारी बारी बात करें ना। जब ये लड़की स्कूल जाती थी ना, स्कूल के ड्राइवर को रोक लेते थे और लड़की को धमकी देते थे। लड़की को धमकी दी गई थी 3 महीने पहले के, तेरे बाप को हम गोली मार के उड़ा देंगे, आप पाल दे की पाल दे। ठीक है पीछे गाड़ी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे, बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल एक ड्रामा किया गया, कल एक मजाक उड़ाया गया, रोते हुए हंसते हुए कहकहे लगाते हुए एक लाइव सेशन के अंदर मजाक उड़ाया गया पाकिस्तान का, मजाक उड़ाया गया पाकिस्तानी माँ बाप का, मजाक उड़ाया गया पाकिस्तानी जजेस का, वकला का। इसलिए मजाक उड़ाया क्योंकि एक बच्ची और जिसकी अभी मैंने आपको फुटेज दिखाई जिनके माँ बाप की, उस बच्ची जिसका नाम कुशमाला था, उसको उसी तरह जैसे जहरा काजमी को हवाले किया गया, उसके माँ बाप के हवाले करने पर जिब्रान नासिर साहब के लिए ये लाइव सजाई गई और उसके अंदर उनका मजाक उड़ाया गया कि इस जैसे वकील के सामने इस तरह से जा रही हैं लड़कियाँ और ये जो है वो रोट रहा पीट रहा है और गैंग गैंग की रट लगाया हुआ, ये सब चलता रहेगा। इंतहाई अफसोस की बात है, हम जिस अज़म से जिस मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं उसके ऊपर इस तरह से कहना और मजाक उड़ाना, इस केस के लिए मुझे बड़ी हैरत होती है। क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं है? क्या इनको इस बात का एहसास नहीं है कि माँ बाप के कलेजों पे क्या गुजरी? आप इन माँ बाप का दर्द देखिए, इन माँ का दर्द देखिए जो इनकी आँखों में नज़र आता है। ये चीख रही हैं कि कैसा फ़ैसला है कि हमारी बच्ची को उठा के कैसे लोगों के हवाले कर दिया, जो कि ठीक नहीं है, जो गलत है, जो बिल्कुल भी जो है वो अच्छी फैमिली नहीं है, ये पूरा मोहल्ला जानता है। यहाँ पर जो बंदा है जिसके हवाले बच्ची की गई है, बच्ची 13 से 14 साल के दरमियान है, स्कूल जाती थी, बच्ची को जो लोग उठा के ले गए उस बंदा, वो बंदा 30 साल का और पहले से शादीशुदा बच्चों वाला आदमी है और उसके हवाले इस बच्ची को कर दिया गया। वही सारी कहानी, बच्ची को पहले उठाया गया, उसका निकाह कराया गया, बच्ची के मुँह को कह रहे मेकअप करके काफ़ी बड़ा सारा दिखाकर जो है वो अदालत में पेश किया गया। अदालत ने बच्ची की पसंद की शादी के क्योंकि बच्ची ने बयान दे दिया, सी क्लास करके जो है वो बच्ची को मुलजमान के हवाले कर दिया। ये कहानियाँ चलती रहेंगी, इस तरह के केस पहला नहीं है। जज साहिबानों ने कहा ना अदालत के अंदर कि कौन से ये पहला केस है जहरा काजमी का, ऐसे केस तो लातादात हैं, इस तरह के तो केस आए दिन होते रहते हैं। बात सारी ये है कि इस तरह के केस होते तो रहते हैं मगर इस केस के ऊपर रिपोर्ट कौन कर रहा है, इस केस के ऊपर समझेगा कब, कब पाकिस्तान के लोग जागेंगे? ये यूट्यूबर बैठ के मजाक उड़ाती हैं, हंसती हैं पाकिस्तान के अंदर, ये क्यों है ऐसा जुल्म बर्बरियत? कब ये अदालतों के अंदर ये निकाह क्यों हो जाते हैं बग़ैर वली की मौजूदगी के, बग़ैर ये निकाह क्यों हो जाते हैं? इसके ऊपर इकदामात कब होंगे, किस तरह से होंगे, ये अल्लाह जानता है। आज की जो अदालती कार्रवाई होनी थी, अच्छा जी, जो निकाह खां और गवाहान थे उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी हुई थी ज़मानत की, उसके ऊपर जो है और MLO की मंजूरी के ऊपर आज अदालत में दलाइल होने था, आज उसके समात थी, मगर जिब्रान नासिर साहब जो है वो तबीयत ख़राब नासाजी की वजह से अदालत में नहीं आए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो दूसरी तरफ के पार्टी जो है जहीर की तरफ के पार्टी जो है वो कल बड़ी खुशियाँ मना रहे थे कि ट्रेन की टिकटें कर लो और हमारे मुलजमान वापस आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है, आखिर इन निकाह खां और गवाह को बाहर निकालने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? कभी सोचा आपने, पहले 3-3.5 महीने से जब ये अंदर थे तो किसी को परवाह नहीं थी, 3.5-4 महीने में कहीं इनकी कोई रिहाई की बात नहीं की गई। जब से जहीरा और शबीरा की जो है वो रिहाइयाँ जमानतें कैंसिल हुई और ये लोग अदालतों में पहुँचे, जेलों में पहुँचे, तब से हो गया हंगामा। हंगामा इसलिए हुआ है कि जो खार खाए, जो गुस्से में भरे हुए गवाह और निकाह खां बैठे हुए, उन्होंने जो है वो अज़म कर लिया कि वो जहीर और शबीरे का सर फोड़ेंगे और वो वहाँ पर जेल के अंदर इनके जो है ना खूब तल्ले मिल्ले ले रहे हैं, तो जिससे बचाने के लिए जहीर और शबीर तो इतनी जल्दी बाहर आने वाले हैं नहीं, तो सोचा कि चलो भाई गवाहान और
निका खां को जो है बाहर ले आएँ, क्योंकि एक ही हथकड़ी में झगड़े होंगे हम यार सारे, तो कैसा समा होगा अदालतों में। इस वजह से ये कोशिश है कि इस वक्त ज़मानतें करवाई जा रही हैं गवाह और निका खां की। अच्छा, निका खां को इसलिए भी बचाया जा रहा है क्योंकि अब वो फट पड़े हैं, और उन्होंने जो लास्ट वीडियो लीक हुई थी उनकी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तो पहले जानते नहीं थे कि शब्बीर कौन है, ज़हीर कौन है, हमने तो निका पढ़ाया नहीं, हमने तो दस्तखत किए नहीं, ये सब कुछ क्यों हुआ। तो यहाँ पर धमकियाँ लग रही हैं कि अगर हमें बाहर नहीं निकाला तो हमने सारा भांडा फोड़ देना है और इनके सर भी फोड़ देने हैं साथ साथ। जैसे जैसे बड़ी जल्दी हो रही है भाई बाहर निकालने के, इसलिए ट्रेन की टिकटें भी हो गई हैं और जहाज़ की टिकटें भी हो गई हैं कि बस फटाफट हमारे गवाह और हमारे जो निका खान है इनको वापस बुला लीजिए, ऐसा ना हो कि हमारी जो सारी की सारी चीज़ें ना वो बाहर आ जाए। अच्छा, इकरारुल हसन साहब की वो बात जो वो शुरू से कहते आ रहे, तो इकरार भाई ने हमेशा इस केस में अपने एक पॉजिटिव थिंग दिया। यहाँ पर वो बार बार कहते रहे कि गैंग इन्वॉल्व है, गैंग इन्वॉल्व है, जिस पर वो झूठी यूट्यूबर बैठ के उनके करेक्टर के ऊपर आ गए, उनकी 10 चीज़ें उन्होंने निकाल दी और कहा कि बंदा झूठा, उसके लिए इकरार भाई के ऊपर जो जल्जमात लगाए। और आप देख लें अदालत में जिस तरह से कॉल रिकॉर्ड्स पकड़ी गई हैं, कॉल करते हुए लोग पकड़े गए हैं, जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ें इनकी पकड़ी गई हैं, और जिस तरह से मंजर पे आम साफ तौर पे पता चलता है कि ये कौन से गैंग है, और इकरारुल हसन की सारी बातें सच साबित हुई हैं। और इस केस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो भी मंजर आम पे आना ज़रूरी है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी आ जाएंगी। और हमारी रिक्वेस्ट है कि कुशमाला बच्ची जो है उसके भी पेरेंट्स को इंसाफ दिलवाया जाए। जब तक ये अंधा कानून चलता रहेगा, जब तक किसी तरह माँ बाप के दिल के कलेजे जो है ना, कलेजों को नोच नोच के जालिमों के हवाले करते रहेंगे, अंधेर नगीरे इसी तरह रहेगी, जब तक करार वाक़ इस तरह के लोगों को सज़ा नहीं दी जाएगी और जब तक कोई सही लाइल अमल नहीं तैयार होगा, यहाँ पर इंसाफ मिलना मुश्किल है। बड़ा दुख होता है जी ये सब देख के, ये हमारे ही मुल्क की माएँ बहनें या हमारे ही मुल्क की बेटियाँ जो इस तरह से भेजी जा रही हैं। अल्लाह रहम करें। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रहमानी रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप तमाम लोगों से कि मेरी बेटी दरख्वास्त कर रही है कि आप मेरे बाबा का साथ दें, और जो है आप तमाम लोगों के लिए दुआ करेगी। बेटा रबिया, सबके लिए दुआ करोगे आप? कैसे करोगे ऐसे, कैसे करोगे दुआ आप? हाँ, और अल्लाह से मांगोगे आप? कैसे मांगोगे अल्लाह से? आप कैसे दुआ मांगोगे अल्लाह पाक से? और आप बोलो क्या है? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। आप हमारी आपी के लिए, उमा आपी के लिए दुआ करते हैं आप? क्या बोलते हैं आप उमा आपी के लिए? उमा आपी जल्दी आ जाओ। तो आप सब तमाम लोगों से ये मेरी बेटी दुआएं दरख्वास्त कर रही है आप लोगों से कि आप हमारा भी साथ दें, कि हम इस हालात में और इस मामलात में नहीं हैं, लेकिन अल्लाह आपको बहुत अजर देगा तमाम लोगों को। रबिया, सबके लिए दुआएं करेंगे आप? कैसे दुआ करेंगे आप? ऐसे दुआ करेंगे आप? माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह अल्लाह से। और आप ही आपको चाहिए, उम्मीद आप ही को आप याद करते हैं? कैसे याद करते हैं? और अल्लाह से कैसे दुआ मांगते हैं आप? कैसे दुआ मांगते हैं आप अल्लाह से? इस तरह दुआ मांगते हैं, जज़ाकअल्लाह।